वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्रिपल सी बाई फाई श्री चैनल पर। और आप सभी के लिए आज से ट्रिपल सी एग्जाम के लिए एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये क्लास जो आपका चलेगा शाम को 8:30 पर, जो जिसका रेगुलर टाइम आप देख पा रहे हैं बराबर जो चलता आ रहा है 8:30 पर, तो टाइमिंग वही आपकी रहेगी। और ये एग्जाम बूस्टर क्लास होने वाली है आप सभी के लिए, एग्जाम बूस्टर क्लास जो कि लास्ट 5 डेज क्लास है। लास्ट 5 डेज एक टेस्ट सीरीज आपका होने वाला है, ठीक है, जिसका पहला टेस्ट आपकी स्क्रीन पर अभी आपको मिलने वाला है। और यहां पर आपको आप देख सकते हैं कि काउंट डाउन भी लगाया गया है, यानी कि ये क्लास आपका 5 नंबर की है। इसके बाद जो क्लास मिलेगी वो क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 2 एंड क्लास नंबर 1 होगा। और इसके बाद आपका 12 अक्टूबर को एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 5 डेज की क्लास है, ये एक स्पेशल क्लास आप सभी के लिए रखी गई है। और इस क्लास में खास बात ये होगी कि जो आपके पिछले एग्जाम हुए हैं, जो आपके पिछले एग्जाम हुए हैं न्यू सिलेबस के आधार पर, जैसा कि अगस्त और सितंबर में हुए हैं, उन क्लासों से जो क्वेश्चंस मुझे मिले थे, स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे थे, उनमें से टॉप क्वेश्चंस रखने की कोशिश करेंगे जो आपसे संभवतः पूछे जा सकते हैं। और हमने जो आपको अक्टूबर मंथ में जो अभी तक हम आपको टेस्ट कराते आ रहे हैं, उस टेस्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके आप सभी के सामने रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सब तक वो क्वेश्चंस पहुंचें जो अधिकांश पूछे जाते हैं और मोस्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो काफी बार रिपीट भी होते हैं, क्योंकि जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट एग्जाम में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस भी आए थे और आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आप सभी को एक ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से पास करा सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, किसी कारण से उन्होंने एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं कर पाया है, तो कोई बात नहीं, आप निराश ना हो, आपके लिए एक चांस है, एक अवसर है। और वो चांस ये है कि आप इस सीरीज को फॉलो करें, ठीक है, यानी कि इस सीरीज में जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो सभी के सभी टॉप क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम को जरूर पास कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, हमारा भी प्रयास रहेगा आपको अच्छा कंटेंट देने की, अच्छे क्वेश्चंस देने की, और ऐसे ही क्वेश्चंस दूं ताकि वो आपसे पूछे जा सकें। और आपका भी प्रयास रहेगा कि आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, पढ़ें, और अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं तो निश्चित तौर पर फिर आप उनको करके आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये बता दूं आपको कि आपका जो मॉर्निंग का क्लास है अब वो भी स्टार्ट हो गया है, और मॉर्निंग में आपको कल से क्लास मिलेगा 8:30 पर, ठीक है, 8:30 पर आपको कल से क्लास मॉर्निंग में भी मिलेगा। जो क्लास आपका इंग्लिश पर होगा, यानी कि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश पर आधारित होंगे, इंग्लिश क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि काफी बच्चों की मांग थी कि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आप पढ़ाइए। तो देखो कोई बात नहीं है, आपको इंग्लिश में मिले या फिर हिंदी में मिले क्वेश्चंस, क्योंकि आपसे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे, दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं, और आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चंस को समझकर उनके जवाब दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग दोनों क्लास अटेंड करें, सुबह जो 8:30 पर क्लास चले उसको भी आप अटेंड करिए, और शाम को जो क्लास चले 8:30 पर उसको भी आप अटेंड करिए। सॉरी, सुबह जो मॉर्निंग में क्लास होगा वो 8:30 पर नहीं, सुबह 8 बजे क्लास होगा, ठीक है, सुबह 8 AM पर क्लास होगा। तो सुबह जो 8 AM का क्लास है उसे भी अटेंड करें, और शाम का 8:30 का क्लास है उसे भी अटेंड करें। दोनों क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पिछले 5 दिनों का, यानी कि केवल आपको ये 5 दिन मेहनत करनी है, 5 दिन में आपके काफी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, देर ना करते हो जल्दी से, और देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक भी जरूर करें, ठीक है, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो इसका जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। और यहां पर ये आपका CRW नहीं होगा, CWR होगा, ठीक है। तो CWR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। CWR का फुल फॉर्म यहां पर आपसे पूछा गया है,
तो यहां पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस वेव रडार, CWR का मतलब कंटिन्यूअस वेव रडार होता है। अब क्वेश्चन नंबर टू, जल्दी से सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स लाइव आ सकें। ठीक है, क्योंकि ये क्लास का जो आप आगे आने वाले क्लास होंगे उनमें आपके सभी के सभी वो क्वेश्चंस रखेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं CCC एग्जाम में, यानी कि सभी के सभी आपके टॉप क्वेश्चंस होने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Shift+W, Ctrl+Shift+R, Ctrl+Shift+P या Ctrl+R? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Ctrl+Shift+R। लिब्रे ऑफिस में अगर रूलर की बात करें तो Ctrl+Shift+R उसकी शॉर्टकट होती है जिसके माध्यम से आप रूलर को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का एग्जांपल है सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, बोथ या नन ऑफ दी? तो फेसबुक किसका एग्जाम्पल है? चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग आंसर भेजिए क्या होगा करेक्ट जवाब। तो यहां पर आप देखते हैं फेसबुक एक प्रकार की सोशल साइट है ना, सोशल साइट है, तो यहां पर साइट तो दिया नहीं है, सोशल नेटवर्किंग दिया है, तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट ही है फेसबुक। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, और ये सभी के सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या होगा राइट आंसर? विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? और अगर ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो आपके एग्जाम में मुश्किल से 7 से 10 तक, यानी कि 7 से 10 ही ट्रू फॉल्स आएंगे, ज्यादा आने वाले नहीं है। ठीक है, अब ट्रू एंड फॉल्स ज्यादा आने वाले नहीं है, तो 7 से 10, 12 तक आपसे पूछ लिए जाएं या किसी से 7 ही 8 पूछ लिए जाएं, तो बस इतने ही ट्रू फॉल्स आने वाले हैं, बहुत ज्यादा ट्रू फॉल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे आपके CCC एग्जाम में। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया, NPCI, UIDAI, बोथ या नन ऑफ दीज? चलो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया, ये तो आपका अगस्त में भी पूछा गया और सितंबर में भी पूछा गया है ना, और ये काफी बार रिपीट भी हुआ था क्वेश्चन, UPI किसके द्वारा विकसित किया गया, क्योंकि बच्चों ने हमारे पास जो क्वेश्चन भेजे थे तो काफी बार मेरे पास ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, और UPI का फुल फॉर्म भी आप यहां देख सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो याद कर लिया करो, आपके क्वेश्चन में भी आपको फुल फॉर्म मिल जाते हैं जब आप एग्जाम दें, तो वहां पर भी इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और किसके द्वारा विकसित किया गया, तो NPCI के द्वारा, NPCI के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, और NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा की टेक्स्ट के कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करता है, कौन सा की टेक्स्ट के कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करता है? तो जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, स्पेस बार। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, बैक स्पेस। क्या होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बैक स्पेस, इसको हटा देते हैं, और यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस से क्या है, आप कर्सर के बाएं ओर से डिलीट कर सकते हैं, और कर्सर से दाएं ओर के अगर टेक्स्ट को डिलीट करना है तब आपको डिलीट बटन प्रेस करना होगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है, गूगल, याहू, आर्ची या फिर नन ऑफ दीज? तो पहला सर्च इंजन कौन सा है, काफी बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ था अगस्त और सितंबर मंथ में, इस बात का ध्यान रखना है, सभी के सभी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं CCC एग्जाम में और जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा, आर्ची। ठीक है, पहला सर्च इंजन कौन सा था, आर्ची था। अगला है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, प्रेजेंटेशन में अगर आपको एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Q या Alt+M? चलो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, Ctrl+M, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+M, Ctrl+M से आप नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ,
क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर भेज दीजिए जल्दी से आप लोग, एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को, ताकि और भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में हिस्सा ले सकें और उनको भी क्लास मिल सके। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से ज्यादा शेयर किया करो। और यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 नवंबर 2017, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं बताइए। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तब उसे क्या कहते हैं, V2B, C2C, G2C या फिर B2C। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी होगा, C2C, तब उसे क्या कहते हैं, C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है, कौन सोशल साइट नहीं है। अब आपको वहां से करना, अमेजॉन, ट्विटर, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम। तो भाई यहां पर सभी की सभी सोशल साइट हैं, बट एक ऐसा है ऑप्शन फर्स्ट जो कि सोशल साइट नहीं है, है ना। अमेजॉन सोशल साइट नहीं है, बाकी सब की सब सोशल साइट हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजता है, एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजता है वो क्या होगा, लॉजिक गेट, मॉडम, बस या सीरियल पोर्ट। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे कहेंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है SSIC, MSIC, BLSI या फिर ULSIC। तो यहां पर आपका कौन सा करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ULSIC। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहां पर, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है, इसको भी आप लोग लिख कर रख लेना, याद कर लेना, निश्चित तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जब से आपका नया सिलेबस चेंज किया गया है तब से इसी प्रकार से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है, सबसे आम भाषा कौन सी है वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली, C++, PHP या HTML, क्या होगा करेक्ट जवाब, फटाफट से आप लोग जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। और सभी लोग आज जल्दी से फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी आपके ग्रुप, हर जगह आप लोग शेयर करो, फटाफट से क्लास को शेयर करो। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहां पर, HTML वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा, ठीक है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसके बिना तो काम चल नहीं सकता है, तो वो भाषा कौन सी है, HTML है। अगर आप वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आपको HTML सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, amazon.com किस मॉडल का प्रकार है, ठीक है, V2B है, V2C है, C2C है या फिर C2V है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, V2C। amazon.com किस मॉडल का प्रकार है, तो ये V2C का प्रकार है, बिजनेस टू कस्टमर का प्रकार है ना, V2C का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डेटाबेस की भाषा नहीं है, DDL, DCL, DML या ऑप्शन सी है, बेसिक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चलो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, कौन सी डेटाबेस की भाषा नहीं है, तो बेसिक आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, लिब्रे ऑफिस में अगर वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो क्या होगा, ड्रा, इंप्रेस, कैल्क या राइटर। तो लिब्रे ऑफिस में अगर वर्ड की बात करें, ठीक है,
वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो वहां पर आपका ऑप्शन डी यहां हो जाएगा राइटर। राइटर आपका क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है। अगला क्वेश्चन है लेबर ऑफिस में स्प्रेड शीट क्या है? तो स्प्रेड शीट का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्क। कैल्क आपका एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? पोस्ट, एडाप्टर, रैम, एसएमपीएस। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा, एसएमपीएस, ठीक है, जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहां पे? डी करेक्ट हो जाएगा। 21 का जवाब बताइए, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? ठीक है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? चलो जल्दी से आप लोग आंसर भेजो फटाफट से। 21 का जवाब क्या होगा? तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है V2V का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया है V2V का, वेस्ट टू बेस, वेस्ट टू बिजनेस, बिजनेस टू बेस या बिजनेस टू बेस। देखो यहां पर फिलहाल कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हुई होगी। तो चलिए अब यहां पर आपको करेक्ट जवाब बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होता है V2B का, बिजनेस टू बिजनेस होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब। ठीक है, चलो मैं एक जवाब यहां पर क्लियर कर देता हूं, बिजनेस टू बिजनेस इसका करेक्ट आंसर होगा V2B का। ओके, तो यहां पर क्योंकि एक मिस्टेक हुई थी शायद लिखने में, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, यहां पे नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन यहां पर मैंने बता दिया क्या हो जाएगा। V2B का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 23। यहां पर पूछा है MICR कोड की पहली तीन लाइनें क्या दर्शाती हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MICR कोड की फर्स्ट थ्री लाइन, पहली तीन लाइनें क्या दर्शाती हैं? बैंक कोड, ब्रांच कोड, शहर कोड या कंट्री कोड। चलो 23 का जवाब बता दीजिए, MICR कोड की पहली तीन लाइनें क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, शहर कोड, ऑप्शन नंबर आपका यहां पे सी होगा। अगला क्वेश्चन है HTTPS में S को लिखा जाता है। HTTPS जो आपने देखा होगा उसमें जो S होता है लास्ट में उसे क्या लिखते हैं? सिक्योर, सिक्योरिटी, सिस्टम या सॉफ्टवेयर। चलो 24 का देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर भेजेगा। HTTPS में S का मतलब क्या होगा? तो पहला ही ऑप्शन राइट होगा सिक्योर, है ना, यहां पर जो S लगा होता है इसका मतलब होता है सिक्योर। HTTPS में S का मतलब होता है सिक्योर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं, है ना, इसे क्या कहा जाता है? मनुष्यों के माध्यम से नहीं, ये जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इनको आपस में संवाद करना पड़ता है, उस संवाद की बात की गई है, तो उसे क्या कहेंगे आप? B2B बोलेंगे, M2M बोलेंगे, इंटरक्लाउड या स्काईनेट। क्या होगा यहां पर 25 का आपका राइट आंसर? देख लेते हैं कौन कौन आज आंसर भेजेगा करेक्ट, तो उसे बोलेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा M2M, यानी कि मशीन टू मशीन, उसे क्या बोलेंगे? मशीन टू मशीन। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां पे वी हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है, चलो 26 में बताइए पहली स्वीकृति IoT डिवाइस का क्या नाम था? पहली स्वीकृति IoT डिवाइस का क्या नाम था? ठीक है, IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटीएम। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। 27 में नेटवर्क की डैश को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो नेटवर्क की क्या बेहतर बनाने के लिए, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सुरक्षा या लंबी अवधि। तो भाई नेटवर्क की सुरक्षा, ऑप्शन सी, नेटवर्क की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ही पासवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, वायरस होते हैं मानव द्वारा निर्मित, प्राकृतिक, मशीन द्वारा निर्मित या उपरोक्त सभी। तो वायरस क्या होते हैं, तो यहां पर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मानव द्वारा निर्मित। ओके, अगला क्वेश्चन है 29, और यहां पर आपसे पूछा, निम्न में कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, बताइए क्या होगा आपका जवाब 29 का। तो यहां पर सभी के सभी क्या है, एंटीवायरस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है, एक कार्यकारी उपयोगकर्ता, एक वर्चुअल वर्कर, एक बिजनेस उपयोगकर्ता या फिर कोई विचार नहीं है। आपका क्या विचार है बता दीजिए। तो एक सॉफ्टवेयर रोबोट जो होता है वो एक वर्चुअल वर्कर होता है ना, ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, एक वर्चुअल वर्कर। अगला क्वेश्चन है, IPv4 कितने बिट का होता है, बताइए IPv4 कितने बिट का होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 31 का करेक्ट जवाब। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 32। कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है IPv6। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, याहू, गूगल, मैसेंजर, अल्टा विस्टा। आपको क्या बताना, सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, मैसेंजर सर्च इंजन नहीं है, बाकी सब के सब सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस राइटर में सबसे अधिक जूम साइज कितना होगा, अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं राइटर में। चलो यहां पर आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 600। ठीक है, 600 आप जूम कर सकते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस की मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज क्या होती है। लिब्रो ऑफिस की अगर बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज आपसे पूछी गई है, क्या होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कम से कम आप फंड साइज का नंबर 6 और मैक्सिमम की बात करें तो 96 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम आपका 6 होगा और मैक्सिमम आपका 96 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, GUI का फुल फॉर्म, तो GUI का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से जवाब भेजो फटाफट सभी लोग, फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज लाइक जरूर करना अगर क्लास अच्छा लगे, और इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंडों में ताकि और भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख सकें। 35 का राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के खोजकर्ता कौन है, अब बताइए फेसबुक के खोजकर्ता कौन है। तो ऑप्शन यहां पे कौन सा होगा, यह भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, एग्जाम में आया है। ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये जो सीरीज आपको मिलने वाली है सब टॉप सीरीज है, आपकी एग्जाम बूस्ट सीरीज होने वाली है। यहां पर सभी के सभी टॉप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस यहां पर रखे गए हैं, तो सब के सब क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑप्शन क्या होगा यहां पर, वी करेक्ट हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के खोजकर्ता कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, VCC की फुल फॉर्म क्या है, VCC की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा वी करेक्ट, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, इक्वल प्रोडक्ट
उसके बाद 50-7 का मानक क्या होगा? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा बताइए, अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 50 × -7 अगर आप करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, -350 आपका सही जवाब होगा, क्योंकि आपको पता है जो आपका प्रोडक्ट फंक्शन होता है ये गुणा का काम करता है ना, दोनों वैल्यूज की गुणा करा देगा, तो आपका रिजल्ट का आएगा -350 आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और 39 यहां पर आपसे पूछा लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+4, Ctrl+3, Ctrl+2 या Ctrl+1। तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Ctrl+1। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट जवाब, Ctrl+1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का पूरा नाम, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सिस्टम, डोमेन नेमिंग सिस्टम या फिर नन ऑफ दीज। तो DNS का पूरा नाम क्या होता है, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, डोमेन नेम सिस्टम, DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर में नई टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या होगी? ब्राउजर में नई टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या होगी बताइए, और मैंने यहां एक आपको वीडियो भी पिछला दिया था ब्राउजर पर, ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने एक वीडियो भी दिया था जिसमें सभी की सभी शॉर्टकट की बताई थी, तो सारी शॉर्टकट की हमने वहां पर बताई थी, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना, वहां पर जितनी भी आपकी शॉर्टकट की थी ब्राउजर में जो इस्तेमाल होती थी उनको मैंने वहां पर डिटेल में आपको समझाया है, तो वो सारी शॉर्टकट की देख लेना, उसमें आपको यहां ये भी आपको मिल जाएगा कि नई टैब आप कैसे खोल सकते हैं, और अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, Ctrl+T से आप ब्राउजर में एक नई टैब खोल सकते हैं, जैसे कि आप किसी ब्राउजर में काम कर रहे हैं और आप उसी ब्राउजर में एक दूसरी टैब ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+T आप प्रेस कर दो, आपकी नई टैब ओपन हो जाएगी, और इन सारी चीजों पर मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी जो कि आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है, तो बाद में उसे भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, SMTP में एम से तात्पर्य क्या है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ट्रिपल सी एग्जाम में, तो यहां पर आपको बताना है SMTP में एम से क्या तात्पर्य होता है। तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, मेल, SMTP में एम का मतलब क्या होता है, मेल होता है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, तो सिंपल मेल, एम का मतलब मेल हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या मॉडम, कौन टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक एग्जांपल है, तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा, 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉडम, है ना, मॉडम आपका टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक एग्जांपल है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और कई बार मॉडम का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर मॉडम का फुल फॉर्म होता है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा KYC से आशय, तो KYC का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर भेजो, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, 44 का। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नो योर कस्टमर, है ना, नो योर कस्टमर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISO से आशय है, ISO से क्या मतलब होता है, तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा, 45 का। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर जैसे कि H2O2 में 2 को टाइप करने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है, अगर लिब्रे ऑफिस में आपको सबस्क्रिप्ट डालना है यानी कि अगर आप बेस लाइन से नीचे लिखना चाहते हैं जैसे कि H2O2 लिखा गया है तब आपको कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होगी। चलो 46 का राइट आंसर भेजो भाई, क्या होगा,
ऑप्शन बी हो जाएगा ना कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और वी आप इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, सीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या सॉफ्टवेयर। अब इसमें से क्या पूछा कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल नहीं है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, है ना। सीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क कभी सभी तो आपकी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, बट सॉफ्टवेयर आपका अलग है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है ना यूएसबी। तो यहां पर क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है फुल फॉर्म यूएसबी का। अगला क्वेश्चन है, पीसी का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। अब अगला क्वेश्चन पूछा, कैल्क में दो सेलों को एक में मिलाने के परिचालन को क्या कहते हैं, जब आप दो सेलों को एक में मिला देते हो तब उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइन सेल्स, मर्ज सेल्स, ज्वाइन टेबल या मर्ज टेबल। अब आंसर बताइए क्या होगा, जब आप कैल्क में या फिर एक्सेल में जब आप दो सेलों को आपस में मिला देते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, उसको मर्ज सेल्स बोलते हैं ना, सेल को मर्ज कर देना, आपस में तोड़ देना, उनको आपस में एक में मिला देना, जो भी सेल आपने सेलेक्ट की हैं उनको मर्ज कर देना, तो वो आपस में मिल जाती हैं, जिसको मर्ज सेल्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, कौन सी लाइन ये बताती है कि भाई संदेश जो आपको मिलने वाला है, जो आपके पास संदेश आया है वो किस विषय पर है। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट वाली जो लाइन होती है वो आपको बताती है कि जो आपको संदेश मिला है वो किस सब्जेक्ट पर है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या होगा, परम, क्रेबन, एक्सन या ड्रैम। अब आंसर बताइए, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा परम, है ना। परम एक सीरीज है सुपर कंप्यूटर की जो कि भारत में विकसित हुई है, तो पहला सुपर कंप्यूटर परम था जो कि ऑप्शन में दिया गया है, और अगर परम 8000 दिया होता तो आप उसे भी टिक करते क्योंकि पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 ही था, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, केवल परम दिया तो ठीक है क्योंकि और तो आप टिक कर नहीं सकते हैं, तो परम को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर परम 10000 दिया है तो भी आप इसे टिक करेंगे, ओके। लेकिन अगर आप दोनों दिए हैं, परम 10000 भी दिया है, परम 8000 भी दिया है, तब आपसे पूछा कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फिर आप इसी को टिक करेंगे, परम 8000 को, इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास जरूर पसंद आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी आपको कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि अब एग्जाम आपके पास में, इसलिए अब ऐसा भी हो सकता है कि बिना बताए बीच में भी एक या दो वीडियो आपको मिल सकते हैं, जैसा कि मैंने जो टाइमिंग आपको क्लास की बताई है, जो मॉर्निंग में क्लास होने वाला है ट्रिपल सी का, उसका आप टाइमिंग देख लीजिए, वो टाइमिंग आपकी रहेगा 8 बजे, है ना, सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलेगा ट्रिपल सी के लिए, स्पेशली ट्रिपल सी का ये क्लास मैं बता रहा हूं आपको, ये मॉर्निंग में मिलेगा। और इसके बाद अगर हम इवनिंग की बात करें, यानी कि तो यहां पर आपको 8:30 पर क्लास मिलेगा, 8:30 पर आपको क्लास मिलेगा ट्रिपल सी का, और ये टेस्ट आपका जो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि ये टेस्ट कैसा होने वाला है। और ये काउंटडाउन टेस्ट शुरू किया, आज की क्लास 5 नंबर की थी, नेक्स्ट क्लास 4, 3, 2 और 1 क्लास होने वाली है, और अगला डे जो आपका आएगा वो आपका एग्जाम का डे होगा, उस दिन आपका एग्जाम होगा, उस दिन आप में से कुछ का एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम जो है ना वो 12 से चलने वाले हैं, 12 अक्टूबर से चलेंगे, तो आगे 18 अक्टूबर तक चलेंगे, उन दिनों में भी हम आपको क्लास देंगे, लेकिन अभी जो सीरीज आपको फॉलो करना है, ये जो सीरीज आपको मिलने वाली है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप काफी कुछ सीख सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा है, आप बस इस सीरीज को फॉलो करिए, यहां पर आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आप ट्रिपल सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, गुड नाइट टू ऑल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।